वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है माँ शैलपुत्री की। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सभी के लिए इस नवरात्रि पर। और जैसे कि सबको पता ही है कि नवरात्रि का पहला दिन है कल, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपको एक दिन पहले ही दे रही हूँ। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और नए जुड़े हैं इस परिवार में अभी तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है हीलिंग पर्स 777 फैमिली में। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को बहुत खुशी होगी आपको इस परिवार में पाके। और साथ ही साथ जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए तो मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ आभार ही प्रकट कर सकती हूँ आप लोगों के यहाँ होने के लिए। मेरी इस जर्नी में, इस परिवार की इस जर्नी में आपने जो सहयोग अपना दिया है, अपनी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट दिया है, उसके लिए कोई भी शब्द हमेशा ही कम रहेगा। बहुत सारा थैंक यू है आप लोगों को दिल से। अपना प्यार, साथ और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, आपसे यही कहना है कि आपके साथ और सपोर्ट के लिए भी बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा दिल से शुक्रिया। और अगर आप यहाँ जुड़े हैं तो आपकी सोल ग्रोथ, सोल जर्नी में जो हेल्प आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलती रहेगी। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो आज की रीडिंग के लिए यहाँ पे सामने रखे हैं दो ऑप्शन। आपके सामने है यहाँ पे अल्फाबेट और आपके सामने है यहाँ पे नंबर। तो आप अल्फाबेट से चूज कर सकते हैं, आप नंबर से चूज कर सकते हैं, या फिर आप शेप से भी चूज कर सकते हैं, सर्कल और स्क्वायर से। और यहाँ पर हम एक एक मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आपको माँ शैलपुत्री कौन सा मैसेज देना चाहती हैं। तो जो माँ शैलपुत्री हैं, अगर आप उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानना चाहते हैं कि नवदुर्गाओं की या अलग अलग देवियों की क्या या किस तरह की एनर्जीज होती हैं, क्या उनके बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं। माँ दुर्गा की वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से ही बना रखी है, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई असुविधा ना हो। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, या आप उन वीडियोस के इंट्रोस देख सकते हैं जिनके बारे में भी आप देखना चाहें। तो यहाँ पर माँ शैलपुत्री हैं, प्रथम दिन उनकी पूजा की जाती है, नवरात्रि के प्रथम दिन में उनकी स्थापना की जाती है। और साथ ही साथ जो माँ शैलपुत्री हैं, उनका जो निवास होता है वो होता है मूलाधार चक्र में। तो जैसे कि माँ शैलपुत्री, सभी को पता है माँ शैलपुत्री जो है वो पार्वती माँ भी है, क्योंकि जो हिमालय राज की पुत्री थी उन्हीं को शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री शैल पत्थर को कहा जाता है, और हिमालय राज पर्वत हैं, पर्वत राज हैं, तो शैल पुत्री वही हैं, यानी कि हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री। तो उन्होंने ही साधना करके शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। बाकी डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे माँ शैलपुत्री, माँ पार्वती आपको क्या कार्ड देना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, या किस कार्ड के द्वारा आपको मैसेज देना चाहती हैं। तो माँ शैलपुत्री, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्शन ए को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, किस कार्ड के द्वारा आप गाइडेंस देना चाहते हैं। मिरेकल्स का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों के लिए कार्ड है। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत निकला है इस रीडिंग का, तो रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत होनी भी चाहिए। तो माँ शैलपुत्री, आप नंबर फोर को यहाँ पर कौन सा मैसेज देना चाहती हैं, या किस मैसेज के द्वारा आप गाइड करना चाहते हैं। माँ शैलपुत्री, आप किस मैसेज के द्वारा ऑप्शन फोर को यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है साइंस का, दोनों ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए के साथ में कि किस तरह की मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है। स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। और जो लोग भी माँ दुर्गा के वीडियो का वेट कर रहे हैं, माँ दुर्गा का जो डिटेल वीडियो है पिक कार्ड का, वो आपको कल मिल जाएगा। आज किसी कारण से मैं उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एडिटिंग अभी बाकी है और घर में आज पूजा थी, तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिला है उस वीडियो को एडिट करने का, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप लोगों को कल वो वीडियो मिल जाएगा, तो इसके लिए ही मैं आज इस वीडियो को डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को माँ की ब्लेसिंग्स पहले से ही मिल सके। तो थोड़ा सा आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के दिन। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो मिरेकल्स का कार्ड कहता है कि आपकी जो विशेष हैं जरूर पूरी होंगी, यानी कि जिस जगह, जिस क्षेत्र में आपको ये उम्मीद नहीं थी कि चीजें चेंज होंगी, उस क्षेत्र में, उस जगह पर वो जरूर चेंज होंगी। तो यहाँ पर आपको उन मिरेकल्स के लिए थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, और आपको ढूंढना चाहिए अगर आप मिरेकल्स नहीं ढूंढते हैं तो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लाइट का, जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात इस कार्ड में आ गई है। सीधा लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स, यानी कि अपने जीवन में चमत्कारों को देखने से आपको रुकना नहीं चाहिए। ये क्योंकि जो माँ शैलपुत्री जो है रूट चक्रा के अंदर होती हैं, इस दिन में मूलाधार चक्र में स्थित होती हैं, तो मूलाधार चक्र में स्थित होने के कारण ये आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी को बताएगा ही बताएगा। तो आपको अपने आप में से, हो सकता है कुछ लोगों को अपने अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है, या फिर आप
अगर अपनी मेटलिस्टिक वर्ड की सिचुएशंस को लेके बहुत हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कीजिए लाइफ की, ताकि आपको वो पॉजिटिविटी लाइफ में और जगह पे दिखाई दे सके। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके ना रूट चक्र को मजबूत होने की भी ज़रूरत है, यानी कि आपको थोड़ा सा मजबूत होने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकें। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एज, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। अगर आप बहुत सारी इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, अगर आपको ये लगता है कि लोग आपसे अलग हैं, या आपको कंपटीशन करना है लोगों से, या फिर आप लोगों को देखते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और उतनी प्रोग्रेस आप नहीं कर रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी इस सिचुएशन को या अपने इस थॉट पैटर्न को आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे इंट्रो में ही कहा है कि अगर आप माँ की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आपको गाइडेंस के लिए भी उनकी ओपन होना ही होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे ब्लेसिंग्स ले लें और उनकी गाइडेंस को आप छोड़ दें, क्योंकि जब आप ब्लेसिंग्स ले रहे हैं तो उन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए जो रास्ता है वो आपकी गाइडेंस से ही जाता है, है ना। तो इसलिए इस चीज को भी अगर ध्यान में रखेंगे तो इससे आपको ही हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे माँ शैलपुत्री आपसे यही कह रही हैं कि अपने आप को एक कंपैरिजन वाली स्टेट में ले जाने की बजाय आप अपने जो गुण हैं उनको देखिए और उनको आप एक्सेप्ट कीजिए और उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जब आपका फोकस दूसरों पर होता है तो फिर आप उसी की एनर्जी को या उन्हीं की एनर्जीज को बढ़ा हुआ देखते हैं या बढ़ता हुआ देखते हैं। आपकी जो खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जीज होती है, उनके ऊपर आपका उतना फोकस नहीं रह पाता, या फिर आपका ध्यान भटक जाता है अपने आप से। तो यहाँ पर आपको जीवन में थोड़ा सा रंगों को देखने की जरूरत है, थोड़ा सा ना आप लोगों की लाइफ के अंदर एक चमक होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डल है आपकी लाइफ, या फिर आपके घर में अंधेरा रहता है, या फिर आप डार्क कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़े से या तो लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, या आपके घर में रोशनी होनी चाहिए, या फिर आपके जो विचार हैं या आपकी सोच है उसको थोड़ा सा जगमग करने की जरूरत है। तो ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर आप ऐसा सोचते हो, या दूसरों के रिलेशनशिप को लेकर आप या तो उनको जज करते हो, या फिर अपनी सिचुएशन को जज करते हो, या अपने पार्टनर को लेकर कुछ जज करते हो, या अपनी लाइफ की कोई से भी अदर एरिया के अंदर आप कोई जजमेंटल हो जाते हो, या फिर अपने आप को डाउन कर लेते हो, आपको लगता हो कि आप ऐसे हैं और दूसरा ऐसा नहीं है, तो दोनों का पाथ अलग है, या दोनों के जीवन की जर्नी अलग है। एक जर्नी एक जैसी नहीं होती है, बहुत रेयर चांसेस में होता है जब किसी को एक जैसे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, या एक जैसी उन लोगों की लाइफ में कुछ हुआ होता है, लेकिन सबके साथ में ऐसा नहीं होता। हर दूसरे तीसरे जने को जिनको आप देखते हैं उनके साथ में आपकी लाइफ मैच नहीं कर सकती, इसलिए कोई कंपैरिजन भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि अपने स्पेसिफिकली अपने सेल्फ में अगर आपको ये लगता है कि आप किसी और तरह की चीज़ों को मानते हैं, अपनी बॉडी को लेकर स्पेसिफिकली, आप अगर अपने शरीर को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर आप थोड़े से डाउन महसूस करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको किसी और तरीके से महसूस करना चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी रॉन्ग नहीं है। आपको वो समझना है, वो करना है, और वो आपको महसूस करना है जो आपकी ट्रू फीलिंग्स है। आपको किसी की वजह से या किसी के लिए भी यहाँ पे अपने आप के लिए जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने आप को कर्ज करने की ज़रूरत है कि उसके साथ ऐसा है या उसको इतना सपोर्ट है, मुझे इतना नहीं है। ये सब चीजें आपकी लाइफ में एक डाउन एनर्जी को या लो एनर्जी वाइब्रेशंस को बुलाती हैं। तो यहां पर मां आपसे यही कह रही हैं कि आपको इस तरह की चीजों से बचना है और आगे की तरफ बढ़ना है। अगर आप बढ़ते रहेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी और आपकी ग्रोथ होगी। इसलिए कुछ चीज़ों को कभी कभी छोड़ देना अच्छा होता है। क्यूरियोसिटी का मैसेज है, स्टार्ट ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो आपको अपना ध्यान भटकाने की जरूरत है। माँ शैलपुत्री की ये जो गाइडेंस है आपके लिए, वो यही कहती है कि अपने ध्यान को अगर आप भटका लेते हैं तो आप बहुत मायनों में कामयाब हो जाते हैं। और ये कामयाबी भी ऐसी होती है कि जब आप ना किसी प्रोसेस को होने देते हैं, जब आप किसी भी चीज़ में अति नहीं करते हैं, जब आप अपने ऊपर बहुत सारे प्रेशर को नहीं डाल देते हैं, जब अपनी लाइफ के एक फ्लो में आप होते हैं। तो यहाँ पर जो माँ शैलपुत्री हैं आपसे यही कह रही हैं कि अपनी लाइफ के एक फ्लो में आपको आने की जरूरत है। अगर अपनी लाइफ के फ्लो में आप आ जाएंगे तो आपको एक रिदम महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर की तरफ ही जा रहा है। तो आप में से ना कुछ लोगों को अपनी लाइफ में गोल्डन कलर लाने की जरूरत है। गोल्डन कलर जो होता है, या जो गोल्ड की एनर्जीज होती है ना, उसको बढ़ाने की जरूरत है। माई गॉड, कितना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, 10 स्टार का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है।
तो यहाँ पर आपकी कुछ विशेज हैं जिनको पूरा करने के लिए शायद आप बहुत ज्यादा बेताब हैं या बेचैन हैं, और माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से वो पूरी हो भी रही हैं। लेकिन उसके लिए जो माँ ने आपको गाइडेंस दी है कि आपको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपनी ट्रू फीलिंग सुननी है और अपनी मेटलिस्टिक वर्ड की जिन चीजों को आप पूरा करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई काम करना होगा। अगर आप देखें इन दोनों कार्ड्स की कलर एकदम सेम है, यहाँ पर भी इतने सारे स्टार्स हैं और यहाँ पर भी इतने सारे स्टार्स हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके क्राउन चक्रा में कोई ना कोई आइडिया इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, माँ की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। आपका ध्यान ना अपने ऊपर ही होना चाहिए या अपनी लाइफ में जो आप सोचते हैं या करना चाहते हैं उसकी तरफ ही आपका ध्यान होना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का। आपको यही कहा गया है कि अपने आप को बार बार पुरानी बातों, अपने बचपन की बातों, अपनी पुरानी कहानियों, उन सब में ले जाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोगों की ना अपब्रिंगिंग अलग होती है, कई बार लोगों को ना बहुत ज्यादा प्यार मिला होता है घर में, कई बार लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिला होता, कई बार माँ ने बहुत प्यार किया होता है, कई बार ऐसी भी माँ होती है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाती, या तो उनको प्यार करना नहीं आता या फिर उनके हालात ऐसे हो जाते हैं। तो हम यहाँ जजमेंटल नहीं हो रहे हैं किसी माँ के लिए, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जो बचपन होता है ना सबका वो अलग अलग होता है। माओं पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अपनी फैमिली को संभालने का या फिर सबके सामने अपने आप को सही प्रूव करने का, क्योंकि अगर उनका बच्चा कोई भी एक गलत कदम उठाता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी, जैसे कि हमें पता ही है, माँ के ऊपर ही होती है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा आपका बचपन जो है अलग तरीके से रहा है, इसलिए आप में किसी के साथ भी कभी भी अपनी जर्नी को कंपैरिजन में मत लेके जाइएगा, लाइफ में कभी भी मत लेके जाइएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन आपको हमेशा दुखी देगा और आपको एक तकलीफ देकर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपनी लाइफ में एक खुशियां जो क्रिएट करनी है उसके लिए आपको अपने ध्यान को, अपनी सोच को या अपने टारगेट को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान किसी ऐसी चीज के ऊपर है जो कि आपके लिए कोई भी फल ला के नहीं दे रही है, कुछ भी फ्रूट नहीं दे रही है, तो वहां से आपके लिए चीजें खराब हो सकती हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। आपका ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है। अगर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनते हैं तो माँ शैलपुत्री यही कह रही हैं आपसे कि आपका, आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा जो काम है या तो वो हो जाएगा या फिर आपका कोई लर्निंग लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन पहेलियों में आप उलझे हुए थे वो पहेलियां आपकी सुलझ जाएंगी। इससे खूबसूरत ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए क्या हो सकती हैं, जब आपकी कुछ विशेस पूरी हो रही है, जब आप अपनी कुछ ट्रू फीलिंग्स को सुनेंगे तो यहाँ पर आपके लिए कोई सर्कल कंप्लीट होगा। अपनी लाइफ में ना आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी ट्रू फीलिंग्स के द्वारा ही आप उनको कर सकते हैं। जिस चीज में आप, जिस काम को करने में आपका मन लगता है या जिस काम को करने के लिए आप प्रेरित होते हैं, आपको अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस के लिए आपको वही काम करना चाहिए। लेकिन उस तरह का काम जिसको करने में आपकी रुचि हो और जिसमें आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रख सकें। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमने कोई काम तो कर लिया लेकिन हम उसे बीच में छोड़कर आगे बढ़ गए। ये कार्ड लेंगे नहीं पर इसके लिए, इसकी एनर्जी देखेंगे। नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड बात करता है कार्मिक पैटर्न की। द वर्ल्ड का कार्ड भी कार्मिक कार्ड है और ये दोनों कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड, ये दोनों ही कार्ड बड़े कार्ड हैं क्योंकि ये 10 स्टार का कार्ड, टैरो का विश कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड आपकी किसी जर्नी के कंप्लीट होने की बात करता है। तो नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड भी कार्मिक कार्ड है, दो कार्मिक कार्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ अलग होता है, तो आपकी जो कार्मिक जर्नी है वो अलग है। तो एक जगह पे अब जिन भी थॉट पैटर्न में, बिलीफ सिस्टम में, सोच में आप रुके हुए हैं, वहां से आगे निकलने की जरूरत है और अपने इस सर्कल को आपको कंप्लीट करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा एंडिंग और बिगनिंग की तरफ है, आपको उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। पुरानी बातों को अब आपको सोचना बंद करना होगा। ये कार्ड भी पास्ट लाइफ मेमोरीज की बात करता है, यानी कि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप उसी को सोचते हैं या सोचते हुए रहते हैं। तो अगर आप उससे बचेंगे या बच के चलेंगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स अपने आप ही हो जाएंगे। वैसे बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आपके लिए माँ की। तो माँ शैलपुत्री, आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन ए को फोर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड अच्छा है क्योंकि ये कार्ड आपकी हीलिंग की बात करता है, आपकी रेस्टिंग मोड की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में ना अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका वो कार्मिक कार्ड अभी अभी आया है नाइन ऑफ वांड्स का। नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड जब आता है वो आपके लिए बात करता है आपके वुंड्स की, आपके घाव की, आपकी तकलीफों की। तो अपनी उन तकलीफों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है या बाहर निकल कर कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो आज जैसे कि हमें पता ही है न्यू मून इन लिब्रा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा और आपको ये मिल जाएगा टाइम से पहले ही वीडियो। 7:35 पे शाम को लग जाएगा न्यू मून, तो कोशिश कीजिएगा कि आप रिचुअल कर सकें आज के दिन में। अगर आज नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन 2-3 दिनों के अंदर कर लें।
अगर आप कर लेते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी एसआई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन थोड़ा सा करने की या फिर डीप ब्रीथिंग करने की जरूरत है, गहरी सांस लेने की जरूरत है या अपनी सांसों पे फोकस करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपकी सांसों से चलता है, तो एंजाइटी में नहीं जाना है आपको। माँ शैलपुत्री यही गाइड कर रही है आपको कि एंजाइटी में नहीं जाइए। यहाँ पर आपकी लाइफ की बहुत सारी जो खुशियां हैं, आपकी विशेष हैं, वो पूरी हो रही हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है, तो किसी बात में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करने की जरूरत है। जैसे कि आपके लिए मैं आपको गाइड कर रही हैं कि आप कोई ऐसे काम कीजिए जिसमें जिसको करने में आपकी रुचि हो, और आपको ना अगर आप ऑलरेडी किसी काम को कर रहे हैं तो उन्हीं कामों को करने में आपको अपने इंटरेस्ट को, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना चाहिए, तभी आपकी जो लास्ट में कुछ चीजें बची हुई हैं ये कम्प्लीट होंगी। यहाँ पर कुछ ना बचा हुआ है जिसको कम्प्लीट होना जरूरी है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ओ माई गॉड, आपके लिए कार्ड आया है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का और आपने मिरेकल्स का ही मैसेज चुना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कोई बहुत बड़ा मिरेकल माँ आपको दे रही हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं। तो होप कि आप भी माँ की ये ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। न्यू मून का टाइम है तो डेफिनेटली अपनी इंटेंशंस को सेट कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में जो परिवर्तन है, बदलाव है, वो आ सके। और अगर आपने आज जो मैंने शॉर्ट डाला है एंसेस्टर्स के लिए, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि एक मिनट का वीडियो है, प्लीज उसको देखिएगा, अपनी टेंशन सेट कीजिएगा ताकि जो भी एंसेस्टर्स हैं हमारे, आपके या किसी और के, उन सबके वुंड्स हील हो सकें, वो आगे अपनी जर्नी पर जा सकें, और जो एंसेस्टर्स हमारी मदद करते हैं वो हमेशा ही हमारी मदद कर सकें। ये ग्रेटिट्यूड है उन एंसेस्टर्स को जो कि यहाँ से जा चुके, और उन एंसेस्टर्स को भी, उन पूर्वजों को भी जो कि हमारे नहीं है और हम उनको जानते भी नहीं। तो अगर आप अपना एक मिनट निकालेंगे, एक मिनट से भी छोटा वीडियो है, और आप उसमें कमेंट करेंगे या उस कैंडल के साथ में, उस प्रेयर के साथ में अपनी इंटेंशन सेट करेंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। माँ शैलपुत्री की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे। इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन के तौर पे नंबर 4 को चुना है या साइंस के मैसेज को चुना है, आइए देखते हैं माँ शैलपुत्री यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही हैं। तो आपने चुना है साइंस का मैसेज, तो डेफिनेटली यहाँ पर माँ शैलपुत्री के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको कोई ना कोई साइन दिए जा रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। बेस्ट फ्रेंड्स का मैसेज है, टू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो यहाँ पर आपको जरूरत है अपने आप को किसी ऐसी रियलिस्टिक अप्रोच में ले जाने की, जहाँ पर कुछ बातों, कुछ सिचुएशंस को आप क्लियरली देख सके। अगर आपके जीवन में दोस्त नहीं है या लोग नहीं है, तो अगर आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है या फिर लोग नहीं है, तो आप यहाँ पर जो एनिमल वर्ड्स है उससे कनेक्ट हो सकते हैं, स्प्रिट वर्ड है एनिमल का, उससे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ में आप ऐसे लोगों को ला सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें आगे ग्रोथ करने पर। अगर आपको ग्रोथ करने में हेल्प चाहिए तो लोग आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको, चाहे आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आप ऑफलाइन कोई काम करते हैं, आपकी लाइफ में लोग होने चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली माँ यहाँ पर आपको ब्लेस कर रही है कुछ ऐसे लोगों के साथ में, जिससे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ स्थिरता जरूर आएगी। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा है तो उनको अप्रिशिएट कीजिए और उनके साथ में अपने कनेक्शन को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। हेलो एंड गुड बाय का मैसेज है, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो अगर आपके जीवन में ये दोस्त नहीं है तो किसी जगह से, किसी सिचुएशन या किन्हीं लोगों से आप आगे बढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपके जीवन में ये परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन यकीन मानिए आपके जीवन को बहुत सारा बदल के रख देगा। अगर कुछ चेंज करना है, कहीं से आगे बढ़ना है और आपको डर लग रहा है उन लोगों को छोड़ने में, उन रिश्तों को छोड़ने में, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़कर कोई बड़ा स्टेप लेने में, तो यकीन मानिए ये स्टेप आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हो सकता है। और आपकी लाइफ में अभी इनसिक्योरिटी आपको महसूस हो रही है, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आएगा। हो सकता है जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, आप में से कुछ लोग अपने परिवार से आप दूर रह रहे हो, या फिर आपको रहने के लिए जाना हो, ये जो कुछ भी है आपको फिलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। ट्रू का मैसेज है, यस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये मैसेज है ट्रुथ का, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी रियल फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप इसको सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब वो नहीं रहे हैं, या आपको उनको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है, या वो आगे बढ़ गए हैं, या आपके पहले कोई दोस्त थे और अब नहीं है, तो यहाँ पर ये हेलो और गुड बाय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ट्रुथ है जो कि या तो आपको पता नहीं है, या फिर कुछ ट्रुथ है जो कि आपके सामने अभी तक आया नहीं है। जो कुछ भी है, यहाँ पर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी को मूव ऑन करने के लिए माँ कह रही है कि अब बेटा आगे बढ़ने की आपको जरूरत है, और यहाँ से अपनी ग्रोथ करने की जरूरत है। आप डेफिनेटली या तो लॉर्ड शिवा के उपासक हैं, माँ के उपासक हैं, या फिर आपने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की है, अपने धर्म के अनुसार ही देखिएगा।
तो जिनको भी आप मानते हैं यहाँ पर, आपने उनसे प्रार्थना की है, लेकिन लॉर्ड शिवा की प्रेजेंस यहाँ बहुत 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 स्ट्रांग है। अगर ऐसा है आपके साथ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने लॉर्ड शिवा से, हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी शादी के लिए प्रार्थना की हो, किसी ने अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना की हो, लेकिन लॉर्ड शिवा जो मुझे यहाँ पे विज़न दे रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, मंदिर का विज़न आ रहा है, लॉर्ड शिवा का विज़न आ रहा है, जैसे कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है उनके आगे, शिवलिंग के आगे, या फिर कुछ ना कुछ उनको बताने की कोशिश कर रहा है। आप लगातार लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड हैं यहाँ पे, हालांकि माँ शैलपुत्री का वीडियो है, लेकिन लॉर्ड शिवा की प्रेजेंस यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैं महसूस कर रही हूँ वो तो मुझे आपको बताना ही होगा। डिसाइड का मैसेज है, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको ना किसी कोई आप भ्रम में रहे हैं, या फिर आपके साथ में कुछ ऐसा भ्रम है, तो आपको ना किसी सिचुएशन को यहाँ पे चूज करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको ना ये डिसाइड करना होगा कि अपने जीवन में आपको क्या चाहिए। ये आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है वैसे, लेकिन यहाँ पर आपको शायद कुछ आगे बढ़कर चूज करना है, तो आपको यहाँ पे यही देखना है कि अगर आप किसी को गुड बाय कह रहे हैं या आपको डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हेल्प तभी मिल सकती है जब आप अपने कोई एक्शन लें। तो देखते हैं कि माँ शैलपुत्री यहाँ पर आपको और क्या गाइड कर रही है, क्या आपको ब्लेस करना चाहती है। तो माँ शैलपुत्री आप नंबर 4 को यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी कोई ना कोई ग्रोथ हो रही है। अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं पे रुके हुए हैं, या कहीं पे आप फंसे हुए हैं, या फिर आपको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आपका जो आपके लिए जो एनर्जीज है ना, वो आपसे यही कह रही हैं कि खुद को ग्राउंडेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक कंपैरिजन वाली एनर्जीज नहीं होनी चाहिए आपकी कभी भी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल के कार्ड के साथ में बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारा प्रोटेक्शन और बहुत सारी ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं, बहुत सारी अथॉरिटी है और बहुत सारा आपका जो फाइनेंशियल अबंडेंस है वो है। तो आपको साइन मिल रहे हैं कोई भी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, तो आपको वो डिसीजन जरूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। स्पेसिफिकली अगर अपने कैरियर और फाइनेंसेस को लेकर या अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर आप परेशान हैं, तो द एम्परर का कार्ड है, ये भी बहुत मजबूत कार्ड है। ये आपसे कार्ड कहता है कि अपनी विजडम का यूज़ कीजिए, या अपने विजडम को आप इस्तेमाल कीजिए, उसको देखिए कि आपका विजडम आपसे क्या कह रहा है। ये अगेन आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने के लिए कह रहा है, अपने आप को ग्राउंडेड करने के लिए कह रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। आपके एंसेस्टर चाहते हैं किसी काम को करवाना आपसे, और वो करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि ये कार्ड बहुत स्ट्रांग है। जब ये कार्ड आया है जिस जगह पे, ये कार्ड आपके एंसेस्टर की विजडम की बात तो करता है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप जिस जगह पर आगे बढ़ रही हैं वो बहुत ही पावरफुल सिचुएशन है, तो आपको भी इसको क्लेम करना चाहिए, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, और लाइफ आपको जो दे रही है, जो साइन या गाइडेंस आपको दे रही है, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। आपको यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में, या आपको भी करना पड़ रहा है, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन ये ग्रोथ तभी होगी जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर किसी बड़े डिसीजन के ऊपर आप रुके हुए हैं शायद, और वो आपको तभी मिल पाएगा जब आपका कोई ना कोई एक्शन स्टेप उठेगा। तो माँ शैलपुत्री आप यहाँ पे नंबर 4 को क्या गाइड करना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए द हाई प्रिस्टिस का। माय गॉड, ये आपके लिए दूसरा, वैसे ये तीसरा कार्ड है जो बहुत पावरफुल है, अथॉरिटी का कार्ड है। ये तीनों ही कार्ड बड़े कार्ड हैं एक्चुअली, लेकिन द हाई प्रिस्टिस का कार्ड अगेन आपसे आपकी इंट्यूशन को सुनने के लिए कहता है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, और यहाँ पर भी लिखा है येस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रुथ। तो ये आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या आप अपनी जगह को जानना चाहते हैं कि जीवन में आप कहाँ पहुँचेंगे, आपका क्या होगा, कैसे होगा, ये जो कुछ भी होगा बहुत खूबसूरत होगा, यकीन मानिए। अभी आपको हो सकता है कुछ अच्छा या बड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत ही स्टेबिलिटी में आपको लेके जाने वाला है, बहुत ही ग्रोथ में आपको लेके जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनने की जरूरत है। तो अगेन अगर ऑप्शन 1 चुनने का आप सोच रहे थे, तो उसको आप सुन सकते हैं, वहां पर आपके लिए गाइडेंस है। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। आपको जरूरत रहेगी कि आप अपनी कोई जर्नी करें, और यहाँ पर भी देखिए जर्नी का ही कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड भी आगे बढ़ने की बात करता है, या आगे बढ़कर ग्रोथ करने की बात करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब आप ना डिसाइड करेंगे कि आपको एक तो रियलिटीज देखनी है, और कुछ बोझ है आपके ऊपर। आप में से कुछ लोगों के साथ ही ये बात रेजोनेट होगी, लेकिन शायद कुछ ऐसा रहा है आपकी लाइफ में जो आपको ना धोखा तो जरूर मिला है, यानी कि बहुत सारी ना एंजाइटी, बहुत सारा डिप्रेशन, या बहुत सारी ऐसी बातें आपके अंदर चली हैं जिसमें शायद लाइफ में ना आप अकेले रह गए। अभी ना आपके सामने शायद कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा मोमेंट या तो आ रहा है या चल रहा है,
कि जिसमें ना आप बहुत उलझे हुए हैं, आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए कि आपको नहीं आए उस टाइम पीरियड में, तो माँ की यही गाइडेंस है कि आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है। और न्यू मून का टाइम है, तो यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं मून से कि वो क्या कह रहा है। न्यू मून इन लिब्रा का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, रिचुअल उसमें दे रखा है। शाम को 7:30 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, पहले करना चाहते हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं। सक्सेस इज कमिंग, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव है। मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ, बहुत मजबूत कार्ड हैं फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, आपके कैरियर और फाइनेंसिस के लिहाज से बहुत ही मजबूत कार्ड हैं। तो जिसका कैरियर और फाइनेंस जो है अगर स्टेबल हो जाता है, तो लाइफ में वो बहुत कुछ चीजें अपनी आगे ग्रोथ में ले जा पाता है। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो अपने जो भी थॉट पैटर्न है उनको आप देखिए, अपने आप के साथ में आपको लॉयल रहना है, फेथफुल रहना है और सच्चा रहना है। ये आपके लिए दूसरा मैसेज है, ट्रू का मैसेज। और यहाँ पर भी देखिए आपके लिए मैसेज था, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो अगर आपका कोई दोस्त है ऐसा आपके साथ में जो कि आपका साथ देता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई ऐसे दोस्त थे जो कि साथ दे चुके हैं और जा चुके हैं जीवन से, तो आप उनको जाने दीजिए। आपको खुद के साथ में लॉयल रहना है, ट्रू रहना है। तो अपने साथ कोई आपको ऐसा काम नहीं करना है जिसके अंदर आप उलझ के रह जाएं। डोंट स्टक इन योर पास्ट। आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, ये कार्ड भी पास्ट का है। पुरानी बातों के अंदर ना स्टक नहीं हुई है, आपके लिए जरूरी है कि आप आगे निकलें। तो एक कार्ड मैं आपके लिए और लूंगी यहाँ पे न्यू मून का। तो माँ शैलपुत्री, आप एक कार्ड के द्वारा और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नंबर 4 को। ओके, एक निकाल रही थी, 2 आ गए। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो जिसके लिए आपके मन में कोई शिकायत है, आप उससे अपनी बात कहिए, लेकिन अब आगे की तरफ बढ़िए। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो जो साइन आपको मिल रहे हैं, जो हेलो एंड गुड बाय आपको कहना है, जो डिसाइड आपको करना है, वो सारा प्रोसेस आपका बिल्कुल स्पीड अप हो रहा है राइट डायरेक्शन में। माय गॉड, आप किसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी कोई नई शुरुआत होगी। बहुत ही खूबसूरत दिन है न्यू इंटेंशन सेट करने के लिए। तो अगर आपने न्यू मून इन लिब्रा का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। उसमें जो रिचुअल बताया है बहुत ही सिंपल है, आप प्लीज कर लीजिए। मैं इसलिए ही इतना डिटेल वीडियो बनाती हूँ वो हमेशा, ताकि आप लोगों को उससे कोई हेल्प मिल सके। और अगर आपने आज का जो शॉर्ट मैंने बनाया है एंसेस्टर्स के लिए, अगर आपने नहीं देखा है या अभी तक आप उसको देख नहीं पाए हैं किसी कारणवश, तो आपसे यही प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका 1 मिनट ही लगेगा, आप उसको देख लीजिएगा। और उस कैंडल के साथ में, उस प्रेयर के साथ में आप अपनी इंटेंशंस को प्लीज जरूर सेट कीजिएगा, ताकि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, और वो एंसेस्टर्स जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, हम उनके लिए प्रेयर कर सकें और उनसे ब्लेसिंग्स ले सकें और आगे जीवन में वो भी बढ़ सकें और हम भी बढ़ सकें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि 1 मिनट से भी कम का वीडियो है जरूर देख लीजिएगा, और प्लीज अपनी इंटेंशन को सेट जरूर कीजिएगा। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी एनर्जीज हैं एंसेस्टर्स की, तो सेट करेंगे अपनी इंटेंशन को उसके साथ में, तो उनकी और बहुत सारे एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेंगी। तो माँ शैलपुत्री की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, और जो लोग माँ दुर्गा की वीडियो का वेट कर रहे हैं वो वीडियो कल आ जाएगा। थोड़ी सी एडिटिंग बाकी रह गई है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया है आज, घर में पूजा होने की वजह से, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।